क्लास 9 मैथमेटिक्स। नाम सुन के ही डर लगने लगता है, भूख आपने लगती है कि भाई कैसे पास होंगे। घबराइए मत, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी इसे झेला है और हर साल न जाने कितने बच्चे मैथमेटिक्स को झेलते हैं क्लास 9 में आकर। आज की इस वीडियो में देखिए, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं कि कैसे फॉर्मूला का यूज करना है, मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है और किस बुक से सॉल्व करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की कुछ टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में, साथ ही उन बुक्स के बारे में जो आपको रियली हेल्प करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्लास 9 मैथमेटिक्स के आपको 12 चैप्टर्स तैयार करने हैं। पहले 15 हुआ करते थे, लेकिन जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, उसके तहत अब आपको 12 चैप्टर्स ही तैयार करने हैं। आइए उनके नाम जान लेते हैं। टोटल 6 यूनिट्स रहती हैं आपकी। पहली है आपकी नंबर सिस्टम, जिसमें एकमात्र चैप्टर है रियल नंबर्स। दूसरी यूनिट है आपकी अलजेब्रा, जिसमें आपके दो चैप्टर्स हैं पॉलिनोमियल्स, और दूसरा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तीसरी यूनिट रहती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें केवल एक ही चैप्टर है इसी नाम का, इसमें आपको कार्टेशियन प्लेन के कुछ बेसिक्स पढ़ने हैं। चौथी यूनिट रहती है आपकी ज्योमेट्री की, जो काफी ज्यादा उलझाने वाली रहती है, परेशान करती है, दिमाग खराब करके रख देती है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पहला है, जो काफी ज्यादा इजी है और मैं समझता हूँ कि 1 से 2 दिन में आप इसको फिनिश कर लोगे अगर आप सही से पढ़ोगे तो। दूसरा चैप्टर रहता है लाइंस एंड एंगल्स। तीसरा है ट्रायंगल्स। फोर्थ है क्वाड्रिलेटरल्स। फिफ्थ है सर्किल्स। पांचवी यूनिट रहती है आपकी मेंस्ट्रुएशन, इसमें आपको 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोंस फार्मूला, दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सिक्स्थ और जो लास्ट यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, जिसमें केवल आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है और काफी ज्यादा बेसिक है, जो आप क्लास 8 क्लास 7 में पढ़ चुके हो। तो देखिए दोस्तों, 3 चैप्टर्स और आ दिए गए हैं, कौन कौन से हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शंस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, और तीसरा है प्रोबेबिलिटी। तो केवल आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। अब बात करते हैं अल्टीमेटली हमको पढ़ना किससे है। तो जब आप एनसीईआरटी उठाओगे, अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हो उसके साथ, सबसे अच्छी बात है भाई, आपसे बढ़िया वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई तो आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, एनसीईआरटी के केवल आपको क्वेश्चंस नहीं लगाने, जो आपको एक्सरसाइज दी गई है केवल वहीं तक सिलेबस सीमित नहीं है, जो आपको इलस्ट्रेशंस मिल रहे हैं, एग्जांपल्स मिल रहे हैं, उनको सॉल्व करो, और बल्कि मैं कहूंगा उन एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस को 2 बार लिखो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला लिखो, उन एग्जांपल इलस्ट्रेशंस को देखो बार बार और लिखो, फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओ। अब एक ऐसी कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स की, जो भाई एनसीईआरटी से पढ़ना ही नहीं चाहते, एनसीईआरटी देख के उनकी आंखें खराब हो गई, डर गए कि भाई कैसे होगा, एनसीईआरटी तो समझ में नहीं आ रही। एक भैया होता है कि एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आयस अग्रवाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आयस अग्रवाल में जिस तरह की प्रेजेंटेशन की गई है कंटेंट की, वो लाजवाब है, कंप्लीट थ्योरी मिलती है बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ पे आयस अग्रवाल बिल्कुल सीधी साधी एक बुक है, जिसको अगर आप पढ़ने बैठोगे तो पहले आपको थ्योरी मिलेगी, फॉर्मूलाज मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे बीच बीच में, फिर मिलेगी एक्सरसाइज। तो आयस अग्रवाल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना चाहते। अब दूसरी कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की, जो एनसीईआरटी के साथ कंफर्टेबल हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं आ रही और लगभग सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो आदि शर्मा सॉल्व करे बिना एग्जाम्स ना दें। देखिए, आप काफी ज्यादा गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अगर आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है, आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हो, आप बस यहाँ पे ही मत रुकिए, आप आरडी शर्मा पे मूव कीजिए। आरडी शर्मा में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो काफी एक अलग लेवल के रहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको 11 के 12 के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इवन आपको इस स्टेज पे आकर वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने, जो आपसे कहते हैं कि आपको क्लास 9 में ही आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, तो भैया हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, आपका अकेडमिक भी खराब होगा और आपके बेसिक्स बिल्कुल चकनाचूर हो जाएंगे। तो आपको अपने एकेडमिक पे ही फोकस करना है, एटलीस्ट क्लास 9th में। तो आरडी शर्मा को आप लगाइए, इसमें जो आपको क्वेश्चंस की वाइड वैरायटी मिलेगी, उससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी, साथ ही आपकी जो इंटरप्रिटेशनल स्किल्स होती हैं
मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की वो भी इंक्रीज होंगी। अब मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहूंगा, देखिए मैंने पहली कैटेगरी बताई उन स्टूडेंट्स की जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए, अब वो सोचे कि भाई डायरेक्ट आरडी शर्मा पढ़ने बैठ जाए, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। जब आप पे एनसीईआरटी नहीं लग रही तो आरडी शर्मा कैसे लगाओगे? तो बात बस यहीं पे है कि अगर आपको एनसीईआरटी से किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, देन बिलीव मी आरडी शर्मा इज फॉर यू। अब तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आरडी शर्मा आईएएस अग्रवाल बिल्कुल बेकार है। ठीक है भाई, एनसीईआरटी लगाओ, आपको अकेडमिक में फायदा मिलेगा, आई एम विद यू, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। एनसीईआरटी सॉल्व करो, 2-3 बार सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन को अपने माइंड में बिठा लो, लेकिन रटो मत, क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहां तक बात ठीक है। अब मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जब उनके एग्जाम्स आने वाले हों तो एक वो किसी रिफ्रेशर का यूज तो जरूर से करें। एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं काफी अच्छे हैं और इनफ भी हैं, लेकिन देखिए हमें चाहिए वैरायटी क्वेश्चन की। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और कहते हैं भाई, बहुत पुरानी कहावत है और सब ज्ञान फैलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करनी ही है। ऐसे में आप लें एग्जाम आइडिया, कोई और बुक नहीं, एग्जाम आइडिया में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो काफी हैं। अब देखिए कहने को तो ऑल इन वन भी आती है, लेकिन ऑल इन वन जो है वो भटका देती है क्लास 9 मैथमेटिक्स में। अगर आप ऑल इन वन को लेकर बैठोगे जो कि अरेंट पब्लिकेशन की बुक है, वो बुक अच्छी है लेकिन टीचर परस्पेक्टिव से, उसमें आपको क्वेश्चंस की वाइड वैरायटी मिलेगी, टॉपिक वाइज चैप्टर डिवाइड रहता है, लेकिन पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करूंगा क्लास 9 के कि वो ऑल इन वन को लगाएं। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि आफ्टर सॉल्विंग एनसीईआरटी, सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन ऑफ इट, आप एग्जाम आइडिया को लो जस्ट बिफोर योर एग्जाम। यहाँ पे जस्ट बिफोर योर एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, अब आप एग्जाम आइडिया ले रहे हो उसको सॉल्व करने बैठ रहे हो, 2-3 महीने पहले लो। अगर आप एनसीईआरटी को फिनिश कर चुके हो एटलीस्ट 2 बार, तब आप एग्जाम आइडिया से क्वेश्चन लगाने शुरू करो, आपको फायदा मिलेगा। देखिए क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको क्लास 9 में मैथमेटिक्स की ललक लग गई तो यकीन मानिए आप क्लास 10 में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरा रिकमेंडेशन बस आपको यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करें, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो उसके अराउंड ही घूमता है। तो अगर आपको केवल मार्क्स लाने हैं एनसीईआरटी इज इनफ, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा मार्क्स सब कुछ नहीं है, हालांकि बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो मार्क्स के अलावा आपको एनालिटिकल इंटरप्रिटेशनल पावर को इंक्रीज करना है, वो तभी होगा जब आप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मेरा रिकमेंडेशन सभी स्टूडेंट्स को यही रहता है, वो कोशिश करें सेल्फ स्टडी करने की। सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए, यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, उनको देखें, लेकिन उस हद तक ही देखें जितना कि वो समझना चाहते हैं। केवल एक ही यूट्यूब चैनल से आप पढ़िए। बस मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जितना आप खुद से कर सकते हो इतना आपको कोई नहीं बता सकता। आपके स्कूल टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, आप उनसे लीजिए हेल्प, आप पूरा यूज कीजिए। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन की, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग क्लास की, मैं आपका पैसा बचाने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। आपके पेरेंट्स का पैसा भी बचेगा, आप सही से सीखोगे भी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैथमेटिक्स को हवा मत बनाओ, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंजॉय करो। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपके 100 में से 60 या 65 मार्क्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथमेटिक्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। बस ये समझ लेना कि मैथमेटिक्स कोई चैलेंजिंग है आपके लिए, आपको इस चैलेंज से थोड़ा ऊपर जाना है, सक्सेस कर जाओ, क्योंकि चैलेंजेस एक्सेप्ट करना ही अपने आप में एक सक्सेस वाली बात है। तो परेशान नहीं होना है, मार्क्स की फिक्र नहीं करनी है, लेकिन मार्क्स के लिए प्रिपेयर जरूर करना है। आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हो उतना दो, यही बस चाहिए। मैथमेटिक्स कोई टफ नहीं, आसान है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी तरह के डाउट्स क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।